बड़ा होमोपॉलीमर पड़े हैं, तो इसको याद करने का कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंपोजिशन जैसे आपको पता रहेगा तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे कौन होमोपॉलीमर है और कौन सा कोपॉलीमर है। तो अब देखिए बूना ऐसा आ गया। अब देखिए बूना का मतलब क्या हो गया, BU से हो गया ब्यूटाडाइन। आपको क्या लिखना है, ब्यूटाडाइन लिखना है, और 1,3-ब्यूटाडाइन। BU से क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन। यानी क्या है यहाँ पे, ये बता रहा है कि सोडियम कैटलिस्ट है। क्या है, सोडियम सोडियम कैटलिस्ट है, और S क्या बता रहा है, स्टायरिन को बता रहा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन, और यस क्या बता रहा है, स्टायरिन बता रहा है, और यानी ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, और इसको ड्रॉ करना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए इसका पॉलीमर हम देखते हैं कैसे बन रहा है। तो सेम काम करना 1,3-ब्यूटाडाइन का, जैसे पहले ही बताया था, बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़िए, एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पे ये फ्री हुआ, ये फ्री हुआ, और इधर ये फ्री हुआ, ये फ्री हुआ, ये दोनों बॉन्ड मिलके बीच में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। अभी ये वैलेंस भी फ्री है और ये वैलेंस भी फ्री है। अब यहाँ से देखिए ये जो मोनोमर आएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो काफ़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा। कि देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़िए, ये इधर फ्री हुआ, इधर फ्री हुआ, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये CH2, ये जाएगा किससे, मिल जाएगा इस वैलेंसी से, जुड़ जाएगा। अगर इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा तो ये वाला, इसका वैलेंसी क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो इसका देखिए, इसका एक इसका फ्री हो गया एंड, और एक एंड इस मोनोमर का। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इस मोनोमर का एंड फ्री होगा और एक दूसरे मोनोमर का एंड फ्री होगा, तब जाकर आपका ये पॉलीमर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका अब बुना या इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं टायर बनाने में। तो देखिए इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है मेरे पास। देखिए इसके लिए क्या है कि देखिए बुना बुना मतलब बाइक, मान लीजिए बाइक है, तो बुना या CH से ये जो है क्या करेगा, मतलब ये टायर के काम में आएगा, और दूसरा जो नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन सॉरी ये जो नाइट्राइल है ये क्या करेगा, ये टैंक बनाने के काम में आएगा। तो मतलब ये बाइक फ्रेम, मतलब एक बाइक का टैंक बना रहा है और दूसरा बाइक का टायर बना रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं बुना यान। तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि BU बता रहा है 1,3-ब्यूटाडाइन को, यानी कैटलिफ्ट है, और N क्या है, नाइट्राइल है। और सेम चीज़ करना है, बॉन्ड तोड़िए, एक एक बॉन्ड इधर टूटेगा, एक बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर फ्री हो गए, तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। और इधर का जो फ्री है, इधर का जो फ्री है, तो एक बॉन्ड जो है इस मोनोमर से जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, और दूसरा जो है फ्री हो जाएगा अपोजिट इन पर, और ये जो है इधर फ्री हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, बुना आयन। इससे हम क्या बनाते हैं, फ्यूल टैंक बनाते हैं, क्योंकि ये पेट्रोल के एक्शन को कम कर देता है। तो ये दोनों में देख रहे हैं कि दो मोनोमर मिल रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर बोलेंगे। तो क्लासिफिकेशन पढ़ा ही था, कोपॉलीमर में कौन है, बुना आयन है, बुना एस है। अभी आगे भी बहुत सारे पॉलीमर पढ़ेंगे जो कि दो यूनिट, अलग अलग यूनिट होंगे, तो उन्हें कोपॉलीमर